नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी माँ की कहानी साझा करना चाहूंगा जिसे सुनकर के आपका भी 100 बार सलाम करने का मन करेगा। आप कल्पना करें, एक महिला जो महज 25 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। जब पति दुनिया छोड़कर के गए उस समय वो गर्भवती थी, 3 बच्चों की मां बनी, 1 कमरे का घर था, महज 5वीं तक पढ़ी लिखी थी, लेकिन बुलंद हौसलों वाली वो झांसी की रानी अपने बच्चों की परवरिश में, उनकी तालीम में अपने घर की गरीबी को आड़े नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए उसने 3 बच्चों की मां होने के बावजूद, विधवा होने के बावजूद, दोबारा से पढ़ाई शुरू की और 8वीं तक पढ़ी। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए आंगनबाड़ी सहायिका बनी, वहां से 500 रुपए मिलते थे, 400 रुपए विधवा पेंशन मिलती थी, यानी घर की मासिक कमाई महज 900 रुपए। उसमें घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, 3-3 बच्चों का पालन पोषण भी करना है। लेकिन वो मां हिम्मत हारने वाली नहीं थी। दिन में आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में काम किया, सुबह शाम सिलाई की और अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए तैयार किया। एक बेटा कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित होकर के पीसीपी सीकर आया या पढ़ा, और आज मुझे आपको ये बताते हुए गर्व है कि 645 नंबरों के साथ आपका वो होनहार लाडला बेटा आज मेडिकल कॉलेज जाने के लिए तैयार है। आप मोहम्मद इदरीस हैं, मकराना नागौर के रहने वाले हैं, और आज जब मैंने आपका साक्षात्कार किया तो अपनी माँ के संघर्ष को लेकर के इतने भावुक थे कि मेरी भी आंखें भर आई। इदरीस, एक शेर है बहुत अच्छा आपकी माँ के संघर्ष के लिए, कि हालात बुरे थे लेकिन हमेशा अमीर बना करके रखती थी, हम भी गरीब थे ये सिर्फ माँ जानती थी। कितना संघर्ष किया होगा उस माँ ने, तो उस माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि दौलत की गरीबी ज़रूर थी लेकिन हौसलों की कोई गरीबी नहीं थी। क्या बात। और मैं एक शेर अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा कि इस जुल्म की दुनिया में फ़कत प्यार मेरी माँ, क्या बात है, मेरे लिए साया दीवार मेरी माँ, नफ़रत के जज़ीरों से मोहब्बत की हदों तक, हाँ प्यार है बस प्यार है, हाँ प्यार मेरी माँ। क्या बात है। माँ के संघर्ष को सलाम, आपके हौसलों को सलाम, आपकी सफलताओं को सलाम। मनोहर राणा साहब ने कहा है कि चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है, ऐसी माँ को 1000 बार सलाम।